नमस्कार, मैं हूं राणा। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और आज एक खास बातचीत लेकर हाजिर हूं मैं। ये बातचीत होने वाली है हमारे साथ, आप कैमरे पे देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शादाब सिद्दीकी, जो कि इसी सीवान के रहने वाले हैं और बगल में चकिया गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। शादाब राजनीति में भी सक्रिय हैं और राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा में सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भविष्य में राजनीति में भी आने की सोच रखते हैं, लेकिन फिलहाल समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या उससे पहले का दौर हो, ये हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। सादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने मुझे इस तरीके से परिचय दिया। मैं जो आपने बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे सिवान में काम करता हूँ और राजनीतिक भी रखता हूँ ख्वाहिश के आने वाले दिनों में मैं राजनीति भी करूँगा, तो सबसे पहले मेरा भी राजनीति का उतना कुछ ख्याल नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। लेकिन अगर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे बात किया जाए तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे सिवान में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूरदृष्टि करके जिसके बारे में सोचकर हम लोगों के जितने भी प्रत्याशी हैं वो वोट मांगे। जैसे सिवान का जो सिवान से सटे बहड़िया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 से 15 अभी प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं बहड़िया विधानसभा से। लेकिन इतने सारे प्रत्याशी होने के बाद भी किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो जर्जर हालत में माधोपुर का रोड है उसका कैसे विकास होगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य उस पर कैसे चर्चा किया जाएगा। इन सब मुद्दों को मैं चाहता हूं कि इन सब मुद्दों के साथ जितने भी प्रत्याशी हैं वो आए और हमारे युवाओं से बात करें। अगर उनको लगता है कि इस तरीके से राजनीति होनी चाहिए तो मैं उनको पूरे दिल से सपोर्ट करूँगा और मैं उनके साथ सक्रिय होकर काम भी करूँगा। अभी वर्तमान राजनीति की बात हो रही है, मैंने आपको देखा था कि आप NRC और CA के बाइकाट के समय आपने यहाँ पर जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन की शुरुआतकर्ता में आप एक थे और आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी जब चुनाव नज़दीक आ चुका है तो NRC और CA जैसा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, आप क्या सोच रखते हैं इसको लेकर के? देखिए, आपने जो कहा कि NRC और CA को पीछे कर दिया गया है, इस तो वैसे परिस्थिति आ गई है कि जैसे अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ था तो इसमें सब कुछ ये हटा दिया गया जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था। और जब सिवान में शाहीनबाग में शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, उसी तर्ज पे हम लोगों ने भी यहां पे सिवान में शुरू किया था, तो बहुत से ऐसे बहड़िया के लोग, बहुत से ऐसे युवा हमारे साथ जुड़े और वो बोले कि अगर हम लोग इस ये जो प्रोटेस्ट है ब्लॉक स्तर पर करें तो और भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से हमने बहड़िया और भी जगह पे शुरू किया छोटा छोटा प्रोटेस्ट। मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में अगर कोई भी प्रत्याशी ये बात बोलते हैं कि मैं CA, NRC और NPR के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध करूँगा सत्ता में आने के बाद भी, रहूं या ना रहूं, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ मैं हमेशा अगर लड़ाई में आपके साथ रहूंगा तो मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि उस तरीके के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े। और एक और चीज़ के मैं देखता हूं कि जैसे 12-15 प्रत्याशी आए हैं बहड़िया में तो लोग ये बोलते हैं कि प्रत्याशी ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो मुझे इसमें ये देखना है कि हम लोग अपने प्रत्याशी को वोट करें, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको वोट करें, हमको अभी अपने यहाँ सिवान से मतलब है। तो कुछ लोग नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं, कुछ लोग NDA का चेहरा देखते हैं, कुछ लोग राजद का भी चेहरा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है क्या कि फिर हम लोग जाति समीकरण में बढ़ जाते हैं। आने वाले टाइम में ये होगा कि फिर से जितना भी हो प्रत्याशी को हम देखते रह जाएंगे, उसके बाद से वोट जो गिरेगा वो फिर जाति समीकरण पर गिर जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरे सारे लोगों से अनुरोध है कि आप लोग खास करके जब भी वोट करें तो इस बात को अपने जहन और दिमाग में ज़रूर रखें कि प्रत्याशी कैसा है। अगर प्रत्याशी कर्मठ है, अच्छा है और उसका चरित्र जो है वो न्यायिक है तो उसको वोट करें। मैं ये जो सिवान की जनता है चाहे जिस भी विधानसभा से हो उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि खास करके जो आपके लिए आवाज़ उठाए, आपकी हितों में बात करें, तो वैसे प्रत्याशी को आप लोग वोट करें। एक और मुद्दा है जिस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे CA, NRP या इन सब चीज़ों की बातचीत हो रही है, साथ ही बिहार में जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और जो भी हमारे यहाँ के लोग जो बाहर में जाके काम करते थे वो सब आए हुए हैं, धीरे धीरे फिर से जाना शुरू हो चुका है क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं हैं।
और इस बार का जो चुनाव है उसमें रोजगार को मुद्दा बनना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन रोजगार की बात कम हो रही है। विकल्प सवाल ये आ रहा है कि विकल्प कौन है? नीतीश कुमार जो है वो बेस्ट है, उनके अलावा विकल्प है कौन? जो राजद के समर्थक हैं उनको सीधे लगता है कि तेजस्वी के अलावा विकल्प कौन है। हम उसकी बात नहीं करेंगे कौन काबिल है कौन नाकाबिल है, लेकिन क्या रोजगार की चर्चा होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो आपको क्या लगता है किस तरह से रोजगार को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे देश का ये विडम्बना है, हमारे बिहार का ये विडम्बना है, और ये अजीब सी विडम्बना है कि हमारे यहाँ के ही लोग गुजरात, मुंबई, दिल्ली और भी बहुत से जगह जाके काम कर रहे थे, और जब वो अपने ही घर पे आ रहे हैं तो यहाँ के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और जितने भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो सारे लोग इस बात को ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि प्रवासी मजदूर, वो हमारे भाई हैं, वो प्रवासी मजदूर कैसे हो गए? वो रोजी और रोटी के चक्कर में वो बाहर गए थे और किसी मजबूरन वो हमारे यहाँ पर फिर से वापस आ रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि ज़्यादातर उनके रोज़गार पर बात करें। और मुझे लगता है कि अगर इस वक्त जब अगर आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब सरकार इस पर काम करे, किसी तरीके का छूट दे, और जो उद्योग विभाग है उस तरीके से, जैसे बहुत से ऐसा आप देखेंगे कि उद्योग विभाग में बहुत तरह का ये चल रहा है कि आप इस तरीके का बिजनेस करें, छोटा छोटा उद्योग लगाएं, लेकिन उस पर अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये चाहे कि इस पे छोटा छोटा जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ पे जोर करे, ताकि लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर होकर काम कर सके। और रहा बात कि मनरेगा का, बहुत से जब शुरू में जब प्रवासी मजदूर को लोग बोलते थे जो हमारे भाई हैं, तो वो जब यहाँ पे आए तो उनको बोला गया था कि मनरेगा में आपको रोज़गार मिलेगा, जो कि ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा, ये कुछ नहीं है। और सरकार इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर रही है। और आपने भी देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, मैंने भी देखा है कि जितने भी हमारे भाई यहाँ पर आए हुए थे वो फिर से वापस जा रहे हैं, और इस महामारी में जा रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ रोजी रोटी के लिए। तो हमको चाहिए कि इस परिस्थिति में आकर हम उनकी मदद करें और हम रोजगार का अवसर खोजें, और इस चीज़ पर इस चुनाव में ये खास करके मुद्दा हो कि जो रोजगार है उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं और लोगों को रोजगार कैसे दें। लेकिन जमीनी स्तर पर इस पे बात नहीं हो रहा है। रोजगार की बात होनी चाहिए और स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने और मोदी जी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन धरातल पर स्टार्टअप भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। बहरहाल रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, और रोजगार की बात जो इस बार करे, आपके अनुसार जो सी ए एनआरपी की बात करे उसको वोट देना चाहिए। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो जातिगत मुद्दा है, जैसे अगर राजद की वोट बैंक की बात करें तो वहाँ पर सीधे सीधे आता है कि एम वाई समीकरण अगर हो गया, हमारा एकदम संतुलित हो गया तो सीट हमारा है। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ होता है कि सवर्ण वोट या व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनका वोट, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे बैकवर्ड वोट, तो ये सारे वोट मिल गए। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जातियों का आंकड़ा लगा के टिकट भी उसी आधार पर दिया जाता है और चुनाव भी उसी आधार पर लड़ा जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस आधार को बदलना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं नेपोटिज्म के खिलाफ होता हूँ, और मैं ये अच्छे से जान रहा हूँ कि आपने अगर मेरे बारे में अगर जाना होगा, रिसर्च किया होगा, तो इतना आप ज़रूर जानते होंगे कि मैं राजद को सिरे से खारिज करता हूँ। मैं राजद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। एक वक्त था जब मैं राजद को पसंद करता था, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ता था और ये जानता था कि हाँ, शहाबुद्दीन साहब ने एक विकास किया है। अब राजद में कोई ऐसा चेहरा मुझे नज़र नहीं आता है जो इस पात्र हो कि उसको बधाई दिया जा सके कि हाँ, आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं। मैं राजद में मतलब किसी को इस काबिल नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोई भी इस काबिल नहीं है। जहाँ भी देखें तो राजद में जितने भी लोग हैं, अगर ज़रूरत जब वो होता है, जब वो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो अलग समीकरण बन जाता है, और जब विधानसभा का होता है तो अलग समीकरण बन जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन था तो हीना साहब को वोट मिलता है 380,000, 385,000, 390,000, और जब नॉमिनेशन करने जाती हैं हीना साहब तो उसमें पब्लिक होते हैं 500,000-600,000। मैं बस आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि जितने पब्लिक पहुंच रहे हैं वो सारे वोटर हैं, अगर उनका ही वोट मिल जाए तो क्या हीना साहब का निकलना ये आसान बात नहीं है? आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी समीकरण बदल दिया जाता है वोटिंग से पहले। ये तो खैर अलग बात हो गई। साथ में नीतीश कुमार को चाहिए बैकवर्ड वोट,
और नीतीश कुमार बैकवर्ड के लिए एनडीए से अपना गठबंधन करके, और जो आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये रिजर्वेशन खत्म करने की जो सरकार है ये मंशा बनाकर बैठी है। अब ये बताइए, जो भी स्वर्ण जाति के समाज के लोग हैं अगर वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, क्या स्वर्ण जाति का कोई भी एक ऐसा चेहरा बता दीजिए जो नाली में और गटर में उतर कर नाली साफ सफाई करे? जितने भी लोग अगर जो नाली के गैस से, जो मोदी जी बता रहे थे जिससे चाय बनता है, उस गैस से लोग मर जाते हैं, नाली में उतरते हैं तो किसी गटर में उतरते हैं और लोग मर जाते हैं, किसी स्वर्ण जाति का बताइए कि जो उस नाली में गया हो और साफ सफाई करने के दौरान उसकी मौत हुई हो? कोई भी ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं एससी एसटी हैं ओबीसी हैं, इसी समाज के बारे में अगर हम बात करना है और इनका ही वोट चाहिए और उसके बाद से आप उनको धरातल से खत्म कर रहे हैं उनका रिजर्वेशन, तो आपको वोट कैसे मिलेगा? और जो आपने शराबबंदी किया, शराबबंदी का बोझ आपने किस पे दे दिया? जो शराबी है, जो शराब पी रहा है, वो अभी भी 1000 रुपये में खरीद के पी रहा है 300 रुपये की चीज़। आप उसको उसका अगर आपको बंद करना था, आप उसको 1000 की जगह 1200 करते, वो उसको समझ आता तो आपके पास राजस्व भी बढ़ता और जो बिजली का मार हम लोग सह रहे हैं वो नहीं सहते। जो हमारे ऊपर बिजली का जो 300 की जगह 900 रुपये आ रहा है वो हमारे ऊपर नहीं आता। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने भी ये जाति समीकरण है इस पे वोट नहीं होना चाहिए। मुझे बस एक चीज़ समझ में आता है कि जो लोग नाली में उतर के साफ कर रहे हैं ये उनका हक बनता है, क्योंकि उनका राजनीतिक शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण हुआ है। अगर उनके हक पे अगर हम लोग अपना हक जमाने लगें तो फिर ये बहुत ही अन्याय हो जाएगा इस समाज का, और उसके बाद से इस समाज का विकास नहीं होगा, क्योंकि सारे वर्गों को, लोगों को हम लोग मिलाकर चलेंगे तभी जाकर गाँव का विकास होगा। गाँव का विकास होगा तो किसी कस्बे का विकास होगा, फिर सिवान का विकास होगा, और सिवान का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत कोई देखना पसंद नहीं करता है। अंत में एक सवाल कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपने कह दिया है कि आपका एक सीधे सीधे है कि एनआरसी सीए एनपीआर के विरोध में जो होगा उसको आप समर्थन देंगे, उसके अलावा किन किन मुद्दों पर बात होगी, किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और लोगों को अपने पर, जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, उनसे क्या मांग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक तो ये हो गया एनआरसी सीए एनपीआर का, और दूसरा के आप हमारे युवा के लिए, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने क्या बताया है, उस हिसाब से जब पार्टी मैनिफेस्टो अपना बनाएगी उस पर हम लोग देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर जो पार्टी ये सारे विकास के काम कर रही है लेकिन हमसे हमारा वजूद, हमसे हमारा अगर गुरु छीनने की बात कर रही है और उसके बावजूद उनके विकास, उनके मैनिफेस्टो में विकास का है, तो हम लोग क्या, जब हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे और उस विकास को लेकर क्या करेंगे? तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो पार्टी पुरजोर तरीके से सीए एनपीआर और एनआरसी का विरोध करेगी उसका मैं सपोर्ट करूँगा, और साथ साथ बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा कि वो विकास की भी बात करे। और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे लोग होंगे जो एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ होंगे वो विकास की बात जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शादाब भाई, आपने समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा, और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आप जिस कार्य में लगे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।